मैथमेटिक्स क्लास टेंथ एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टेंथ फ्रॉम द एनसीआर टी टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज एटी मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर सिक्सटी डिग्री एंड थर्टी डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा गया है सबसे पहले उनका टू पोल्स हैं जो कि इक्वल हाइट है यानी कि दोनों की दोनों की इक्वल हाइट है आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड जो कि रोड के एक दूसरे की तरफ खड़े हुए हैं विच इज़ एट्टी मीटर वाइड जो रोड है वो एट्टी मीटर चौड़ा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड कोई रोड पर कहीं एक पॉइंट है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल हमने क्या करा उस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप पर देखा तो एक पे उसने 60 डिग्री एंगल बनाया और एक पे 30 डिग्री का एंगल बनाया रेस्पेक्टिवली तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एक तो हमें बताना है हाइट ऑफ द पोल कितनी है उसकी दूसरी चीज़ है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स वो जो पॉइंट है वो दोनों पोल से कितनी दूरी पर है क्वेश्चन समझ में आ गया एक बार फिर देखते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या कहा इनका दो पोल है मान लीजिए एक पोल ये है और एक पोल ये है दोनों सेम हाइट पर है दोनों के दोनों क्या हैं भाई सेम हाइट पर है इसलिए मैंने दोनों की सेम हाइट बनाई भाई ये ए बी है सब और ये आपका सी डी है दोनों के दोनों सेम हाइट पर हैं ये एच मीटर है तो ये भी एच मीटर पर है कुछ दोनों के दोनों एच मीटर पर हैं अब आगे इन्होंने कहा कि यहाँ पे रोड पे कहीं एक पॉइंट है मान लीजिए ये पॉइंट है सपोज अब जब ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से पहले इन्होंने इस पर देखा ठीक है तो फिर हमने देखा इस पर दूसरे वाले पर अब हमें यह देखना है कि एक सिक्सटी डिग्री का एंगल बना रहा है एक थर्टी डिग्री का एंगल बनाना है मेन पॉइंट ये है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जो पॉइंट पोल के ज़्यादा करीब होगा वो ज़्यादा एंगल बनाएगा जैसे ये पॉइंट के ज़्यादा करीब है तो ये सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाएगा और ये थर्टी डिग्री का एंगल बनाएगा क्लियर हो गया अब आगे इन्होंने कहा है कि ये जो रोड है ये एट्टी मीटर वाइड है आप सपोज कर लीजिए अगर ये टेन है तो ये कितना होगा बचा वो सेवेंटी एट्टी में से सेवेंटी माइनस कर दीजिए अगर ये ट्वेंटी है तो ये कितना होगा सिक्सटी अगर ये थर्टी है तो ये कितना होगा फिफ्टी और अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा एट्टी माइनस एक्स क्या होगा एट्टी माइनस एक्स यहाँ तक आपकी क्लियर हो गया पूरा जब तक आपके फिगर समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला पहले आप क्वेश्चन समझिए उसके बाद फिगर समझिए फिर आप करना स्टार्ट करिए क्लियर हो गए इसको एक्स ये एट्टी माइनस एक्स अगर हम इधर एक्स मानते तो ये एट्टी माइनस एक्स होता तो सबसे पहले आपकी मेन चीज ये है अब यहां तक क्लियर हो गया अब आपका काम क्या है इसको हम मान लेते हैं ई पॉइंट ठीक है जब हमारी फिगर बन गई तो हमसे क्वेश्चन भी जाएगा अब इसके बारे में सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है हमारे पास लेट ए बी एंड सी डी क्या है हमने टू पोल्स मान लिया दोनों की हाइट यानी कि ईच हाइट दोनों की हाइट हम एच मीटर मान लेते हैं एंड ई e, यहां पे जो ई e पॉइंट है वो क्या है रोड पर है लेट ई बी ए पॉइंट ऑन द रोड हमने इसको रोड पे कहीं ना कहीं पॉइंट मान लिया अब हमें पता है ये जो डी ई है ये हमने कितना माना है इसको हमने माना है एक्स अगर ये एक्स है तो हमें पता ही ये ई बी कितना होगा ये ई बी हो जाएगा हमारे पास एट्टी माइनस एक्स और हमें पता है ए बी सी डी इक्वल है जिसको हमने एच मीटर माना है क्लियर हो गया अब हम को, कोई सा भी ट्राइंगल पहले कोई सा भी आप बाद में ले सकते हैं हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं पहले इन ट्राइंगल सी डी एंगल अब हमें पता है ये परपेंडिकुलर है ये बेस है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन हमेशा टेन थीटा में होगा तो यहां पे हम लगा देते हैं टेन 60 डिग्री टेन सिक्सटी डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अपॉन डी ई अब टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्ल टू रूट थ्री तो हम यहां पर टेन सिक्सटी डिग्री जगह रूट थ्री लिख देते हैं सी डी की जगह एच ये हमारा हो गया एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एच इज इक्ल टू आ गया रूट थ्री एक्स ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन अब फर्स्ट इक्वेशन बन गई अब दूसरा टाइंगल आता है भाई दूसरा टाइंगल कौन सा था हमारे पास ये वाला टाइंगल ए बी ई e. इनर राइट ट्राइंगल कौन सा भाई ए बी ई e. यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी वही लगेगा टेन तो टेन थर्टी डिग्री हमारे पास पता है टेन थर्टी कितना है हमारे पास ए बी अपॉन बी अब हमें पता है टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है टेन थर्टी डिग्री इज वन बाई रूट थ्री टेन थर्टी इज वन बाई रूट थ्री और टेन सिक्सटी इज रूट थ्री अब आगे देखते हैं टेन थर्टी टेन थर्टी की जगह हमने लिख दिया वन बाई रूट थ्री ए बी की जगह लिखा एच ये हमारे पास क्या हुआ एट्टी माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ गया रूट थ्री एच एट्टी माइनस एक्स ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन अब आगे क्या करते हैं भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या करते हैं ये एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना आया रूट थ्री इन टू एच की जगह रूट थ्री एक्स एट्टी माइनस एक्स रूट थ्री की रूट थ्री से हम डिप्लाई करते हैं थ्री एक्स इज इक्वल टू एट्टी माइनस एक्स थ्री एक्स इस एक्स को हम इधर जाएंगे जब भी कोई चीज़ राइट से लेफ्ट जाएगी साइन चेंज होगा एक्स एट्टी हमारे पास आ गया फोर एक्स इज इक्वल टू एट्टी एक्स इजिकल टू कितना आ गया एट्टी डिवाइड बाई फोर कितना हो जाएगा एट्टी डिवाइड बाई फोर ट्वेंटी तो ये हमारे पास आ गया एक्स ट्वेंटी आ गया अब एक्स की वैल्यू ट्वेंटी आ गई अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए यानी कि फर्स्ट में और सेकेंड में किसी में पुट कर सकते हैं यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट में पुट कर देते हैं फर्स्ट क्या थी हमारे पास फर्स्ट थी हमारे पास एच इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स रूट थ्री इन टू ट्वेंटी यानी कि एच इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ट्वेंटी रूट थ्री ट्वेंटी रूट थ्री आ गया अब जब हमारे पास ट्वेंटी रूट थ्री आ गया यानी कि जो हमारे पास थी हाइट ऑफ द पोल हमसे क्या पूछा था हाइट ऑफ द पोल तो हाइट ऑफ द पोल आ गया हमारे पास ट्वेंटी रूट थ्री मीटर क्लियर अब आगे हाइट ऑफ द पोल ट्वेंटी रूट थ्री आगे अब हमसे पूछा पॉइंट यानी कि पॉइंट पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पोल फर्स्ट पोल से कितना है हमारे पास ट्वेंटी मीटर और पॉइंट एट ए डिस्टेंस सेकेंड पोल से कितना होगा भाई सेकेंड पोल से हमने क्या माना था एट T माइनस एक्स यानी कि एटी माइनस ट्वेंटी कितना आ गया सिक्सटी मीटर बस ये हमारा आंसर आ गया क्लियर और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया